आई तनी कथा सागर के तरफ चलल जाए। करनी के फल मिली आज ना तो कल। ये भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक खानदान ऊपर के कथा बा। एकरा के ध्यान से सबे सुनी। प्रभु श्री राम के पिता के नाम राजा दशरथ रहे। दशरथ जी के पिता के नाम राजा अज रहे। राजा अज के धर्म पत्नी के नाम इंदुमती रहे। अभी दशरथ जी के जन्म ना भई रहे। राजा अज के बहुत समय बीत गईल, कौनो संतान ना भईल, कौनो संतान ना भईल। बहुत दिन के बाद चौथापन में राजा अज के एगो लड़की के अवतार भईल। राजा अज के घर में लड़की के जन्म भईल। समय आईल तो राजा अज के औरत के गर्भ से एगो लड़की के जन्म भईल। उ लड़की के भी पूर्व जन्म के कथा हम बताएब जो के रहे कि राज दरबार में आके जन्म रहली। राजा अज के घर में एगो लड़की के जन्म भईल। कथा यही जैसे बा, कथा में रुवाई भी बा, कथा में हंसी भी बा, सुख भी बा और दुख भी बा। आ जिंदगी के दुइये को चक्का है, दुइये को पहिया है, सुख और दुख। ये दोनों परपरी आवत रहेला, आवत रहेला कि ना। अगर सुख लेवे के बाद तो पहले दुख भोगे के परी, भोगे के परी कि ना। आय सुख अगर करे के बाद तो दुख तो भोगे के परी। अगर पुलाव पनीर के सुख लेवे के बाद तो सवेरे उठ के पहले प्याज काटे के परी, अखिया डोब डोब आंसू गिराई, पहले दुख करे, एक बाद में बन जाए तब थरिया में लेके बैठे तो सुख करे। आय विचार करी तो पहले दुख सहे तबे सुख मिली। अगर वो चाहते नहीं कि हम खूब बढ़िया छालदार सब्जी बनाई चाहे खाना बनाई तो पहले तो दुख सहे के परी। सवेरे बिछावना छोड़ के उठे के परी, नहाए के परी, धोवाए के परी, आलू काटे के परी, प्याज काटे के परी। आ प्याजवा काटे तो कहे कि रो, पहले रो ले काहे कि थोड़ी देर में सुख जाए। तो सुख दुख दोनों जीवन के पहिया है। विचार करी तो राजा अज के घर में एगो लड़की के जन्म भइल। आ लड़की भइल तो कैसन भइल तनी ध्यान से सुनी। अरे राजा अज के बेटी, अरे सुंदर बबुनिया, अरे जीवनिया जग में भार हो गई, अरे भार हो गई रे भैया, भार हो गई रे जीवनिया जग में भार हो गई। अरे राजा यज के बेटी सुंदर बबुनिया, जीवनिया जग में भार हो गए। अरे राजा यज के बेटी सुंदर बबुनिया, जीवनिया जग में भार हो गए। राजा आज के घर में एगो लड़की के जन्म भइल। इतना सुंदर वो लड़की भइल। अरे रूपति जबाई सन जैसे भोरे के किरनिया, अरे रूपति जबाई सन जैसे भोरे के किरनिया। आँख न ठहरे सौरी घर से, अरे भागे धगरनिया, जीवनिया जग में भार हो गई। अरे प्रभु के कृपा से भइली अनहरनिया, अरे जीवनिया जग में भार हो गए। टुन हलचल गावे ले कहनिया, जीवनिया जग में भार हो गए। बाबा टुन टुन हलचल गावे ले कहनिया, जीवनिया जग में भार हो गए। एक तो राजा के घरे लड़की जन्मल, दूसरे में बहुत सुंदर, आ तीसरे में ओकर दोनों आँखिए ना रहे, दोनों आके आनहर है, तीसरे में दोनों आके आनहर, आ चौथे में वो लड़कीया के जन्मते ओकर माये मर गई। अरे प्रभु के कृपा से बबुनी जन्मल बाड़ी अनहरिनिया, आ बबुनी के जन्मते जन्मते अरे मर गईली महरनिया, जीवनिया जग में भार हो गई।
अरे तो बाबा टुन टुन हलचल गावे ले कहनिया जीवनिया जग में भार हो गए हो। बाबा टुन टुन हलचल गावे ले कहनिया जीवनिया जग में भार हो गए। और लड़की के जन्म ते महारानी मर गई ली। राजा यज बड़ा सूखा कुल भइले। वो घर में एगो दासी रहे। वो दासी के बुलावले कहले कि सुन महारानी तो मर गई ली, अब ये लड़की के पालन पोषण पूरा करे के बाद अपना घरे ले जो, जितना खर्च आई है राज दरबार से दी आई। दासी वो लड़की के लेके चल गई। वो लड़की के पालन पोषण करे लागल। जब वो लड़की 6 महीना के भइल नु तो राजा आज गुरु वशिष्ठ के बुला के ले गई। लिखले कि महाराज चलल जाओ, अब लड़की के तनी नाम रख दिया जाओ कि वो लड़की के नाम का रहे। गुरु वशिष्ठ गई नहीं, वो लड़की के रूप देखनी, सुंदरता देखनी ना, तो वो लड़की के नाम रखनी। कहने की राजा इ लड़की चंद्रमा के समान सुंदर भी आ, ऐसे ये लड़की के पहल का नाम चंद्रकला रही, चंद्रकला रही। आई लड़की आगे चल के ज्ञान में बहुत आगे हुई, ऐसे लड़की के दूसर का नाम ज्ञानमती रही। ध्यान देवे के बाद का नाम परल आय, पहल का नाम कौन परल आय, और काकी कह तरी चंपा कल आई हो दादा, चंद्रकला नाम परल चंद्रकला, आ दूसर का नाम ज्ञानमती परल। अब उदासी रोज वो लड़की के पालन पोषण करे लागल। धीरे धीरे वो लड़की से 8 बरिस के हो गई। 8 बरिस के आंख से तलो के ना आंख रहे ना कही। दासी का करे जे अंगुरी पकड़ के ले जाओ सरजुग जी में से नहवा के लियावे। रास्तवा में एगो शंकर जी के मंदिर रहे, वही मंदिरवा में वो आनहर लड़किया शंकर जी के जल चढ़ा के बड़ी रोवे। आ शंकर जी से विनती करे या कहे, अरे रोज रोज चंद्र काला, अरे शिव से के पूजा न करे, सुने शिव और जहामार है। अरे रोज रोज चंद्र काला, शिव के पूजन करे, सुने शिव और जहामार है। रोज रोज चंद्र काला, शिव के पूजन करे, सुने शिव और जहामार है। ए महादेवी, अरे अन धन सोना चानी सगरी भरल बाटे, आँख बिना जिंदगी बेकार है। अरे अन धन सोना चानी सगरी भरल बाटे, आँख बिना जिंदगी बेकार है। हे गरिया के लोगवा कहत बाड़े, के करी अनहरी से बिया है। अरे गौवा नगरिया रोज उ लड़की शंकर जी के पूजा करे लगली। रोज प्रत्येक दिन पूजा करत करत पूजा करत करत उस समय आ गेल। समय बैठल ना रहे, रउआ बैठ गेल बनी, समय बैठल नहीं के समय चलता। एक दिन के घटना सुनी, उ लड़की आन्हर रहली लेकिन सुंदर सुंदर फूल के सुगंध महके के बड़ा शौकीन रहली। दासी सुंदर सुंदर फूल तुर के दे ओकरा के महकस सुगंध अच्छा लागे, तो दासी के कुछ न कुछ इनाम दे दे। तो एक दिन के घटना देखी का घट गई। आर बचपन बीतल ढलल जवानी,
मैं उमरिया ये हरी, अरे त एक दिन घूमत रहली, अरे गंगा के कगरिया ये हरी, दिन घूमत रहली गंगा के कगरिया ए हरे। बचपन बीतल ढलल जवानी में उमरिया ए हरी, एक दिन घूमत रहली गंगा के कगरिया ए हरी, अकेले ना घूमत रहली, अरे तासी संग ही रहली पकड़ ले अंगुरिया ए हरी, तासी संग ही रहली पकड़ तासी संग ही रहली पकड़ ले अंगुरिया ए हरी, ततनी सुनी पंचे अब आगे के खबरिया ए हरी, तानी सुनी पंचे आगे के खबरिया ए हरी, दासी अंगुरी पकड़ के वानर लड़की के गंगा जी के कगरी घुमावत रही, तले जानता निका भाई, एगो खूब सुंदर फूल गंगा जी में ओ पार से दोह के आके गंगा जी के घटिया पर ए पारू फूलवा लागल रहे, तले दासी देख लाली, एगो फूलवा दहत लागल रे कगरिया ए हरी, एगो फूलवा तहत लागल रहे कगरिया ए हरी, अरे तले वच के पड़ल अरे दासी के नजरिया ए हरी, तले वच के पड़ल दासी के नजरिया ए हरी, तले वच के पड़ल दासी के नजरिया ए हरी, दासी के नजर पड़ल आहा, बड़ा सुंदर फूल बा, अगर अगर छान के राजकुमारी के देव, राजकुमारी महकी हैं, सुगंध अच्छा लगी तो हमारा इनाम मिल जाए, तो दासी जान तनी का कोईली, अरे दासी छान कदी हली बबुनी के अजुरिया ए हरी, ओ दास दास दासी छान कदी हली बबुनी के अजुरिया ए हरी, तब बबुनी मोहकत चलली अपना अटरिया ए हरी, हे बबुनी मोहकत चलली अपना अटरिया ए हरी, उ लड़की वो फुलवा के महकत अपना घरे अइले, आओ फुलवा में कारण का रहे ध्यान दे के सुनब सबे, कथा में बतियावल ना जाला, बतियावे के तो बोलले बा, अब बिहने से बतियाए में लो ना, हलचल बाबा कहे हैं जे काहे बतियाव था नीलो, आई हलो जहां रही ले मजाल जे तनी शांति रह जा, जब एने कथा शुरू होता तले बत कही शुरू, तू कब अलू ये बाछी उ कतरी हम दू घंटा पहले आई के आई समाचार शुरू बा, ध्यान दी, उ लड़किया फुलवा महकत आई, ओ फुलवा में का गुण रहे, ओ फुलवा के महाकला से उ लड़किया गर्भवती हो गई, फुलवा के महाकला से लड़किया गर्भवती हो गई, आगे कथा में बताएब जो फुलवा में का कारण रहे, एक तन लड़की आन हर दूसरे में महतारी नहीं के तीसरे में गर्भवती हो गई, आ वो गर्भ दिन पर दिन बढ़े लगल, अरे धीरे धीरे पेटवा में बचवा पलाए लागल, धीरे धीरे पेटवा में बचवा पलाए लागल, धीरे धीरे पेटवा में बचवा पलाए लागल, राजा वज आके दासी से पूछले कि दासी ये लड़की के नू आंख नहीं खे, ते तो परमानेंट संगे रहली, बतावी के कर लड़का, तो दासी थर 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 कांपे लगल, कल महाराज हम कुछ नहीं की जानत, हम एगो फूल दहुई महके के महकले बड़ी तबे से करी दासा भइल बा, अरे खतरा बा दासी के ऐसन बुझाए लागल, खतरा बा दासी के ऐसन बुझाए, खतरा बा दासी के ऐसन बुझाए लाग, ताली बजे, खतर बदासी के ऐसन बुझाए,
तनिया सा ठंडा हवा पर केतना लो ओघाए लागो, केतना लो यही में सूता तयाई हो दादा। कथा में भगवान के सूते के नहीं चाहिए, गरबा बुझाता रात भर पोतोहिया सूते नहीं खेद ले। कितना जानी बुढ़िया का किलो अखिया बन क के सुन तालो अखिया बन क के। भगवान की कथा कबो आंख खोल के सुने के चाहिए, कुछ कथा मुंह से होला, कुछ कथा हाथ के भाव से होला। ध्यान देव हमारा बतिया। राजा यज गुरु वशिष्ठ के बुलावले, कहले गुरु जी तनी अपना रौरा जोग दृष्टि से देखी के कर लड़का है जे लड़की के गर्भ में पालन हो रहा बा। गुरु वशिष्ठ अपना ध्यान से देखले ते कहले कि राजा गंगा जी के वो पार एगो साधु बाले, जावना साधु के नाम हो उद्यवान ऋषि। उस सवेरे गंगा स्नान करे आवत रहे हां, हिरन हिरनी के संपर्क काला देख के बाबा के तेज शरीर से बाहर हो गईला। ओकरा के धरती पर ना फेंक के फुलवा में रख के गंगा जी में दहवा देले हां। आउ यही छान के देले भी आई महकले भी आ, देव कृपा से बाबा के तेज ए लड़की के गर्भ में चल गई बा। अगर खानदान के प्रतिष्ठा राखे के बा तो साधु के संगे लड़की के बियाह कर दा। देखिए ई लोग पूर्व जन्म में भी पति पत्नी रहे लो, आइए जन्म में भी देखी पति पत्नी होता लो। आगे इनकर लोग पूर्व जन्म के कथा बताए जे पूर्व जन्म में की रहे। ध्यान दी, अब राजा वज गईले जाके उद्वान ऋषि से अपन प्रस्ताव रख ले। उद्वान ऋषि मंजूर कैले, कहले कि ठीक बा हम बियाह कर ले, लेकिन हम साधु संत हैं, 15 दिन है जा 20 दिन हो जा रहे हैं, आन्हर लड़की के देख रेख के करी। राजा कहले कि चिंता मत करी, बियाह हो न तो दहेज में एगो दासी दे देव हम सेवा करे खातिर। तो जानता नहीं का भाई, अरे साधु चिन्हा गई ले शादी रचाई लागो, साधु चिन्हा गई ले शादी रचाई लागो। पहले शादी होके, पहले भी स्वयंवर होके, होके कि ना होके। स्वयंवर का मतलब का होला, 8 प्रकार के बियाह होला धरती पर, 8 प्रकार के। प्रजापति विवाह, ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, स्वयंवर विवाह, ई मिला के 8 गो विवाह होला। तो स्वयंवर के मतलब का होला, इतना लोग बैठल बा ध्यान देव हमरा बतिया पर। स्वयंवर विवाह ओकरा के कहल जाला कि देश विदेश के राजा लोगा के बैठ रहेला, लड़की माला लेके निकले ली, सब राजा की ओर ताके ली, जी राजा उनका पसंद पड़ेला उनका गाला में माला डाल दे ली आ उनके से बियाह होला। स्वयंवर जिसमें लड़की अपना वर स्वयं चुनती है उसको स्वयंवर कहा जाता है। ए बार हमनियो की यहाँ स्वयंवर होता नौका पर। हरि महाराज, जो पर्दा में जो विवाह हो रहा था जो आनंद था ना, अब इसमें आनंद नहीं है। पहले हमनी के जमाना में खुद हमार बियाह भइल तो हमारा पटदारी में एगो धोखा कर दल ले जाए, पागल लड़की दूसर लड़की देखा के पागल के संगे शादी कर दल ले जाए, तो हम हूँ हर काहे रहनी कनी जे का जाने हमरो संग में वहीं का मत हो जा। तो हम कहनी तो कनी जे हम देखे ओकर बाद से नुरदान हुई। तो जान तन के मऊगी देखाओ सो हेतना ढाक दसन तो है ने देखाओ सो, हेतना ढाक दसन तो है ने देखाओ सो। अब तो हम फेर में पड़ गई भाई, इतना ढाक दे तरी से तो है ना दिखाओ तरी जा, है ना ढाक के है ना दिखाओ तरी जा। अब का हुई तो मामा का लड़का ले फोटो खींच ले रहे, कहे कि ना ठीक बा विवाह करो। तब भाई वो बेरा मर्यादा रहे, बाप माई के लोग मर्यादा करे, देखा देखो कि ना चले। आइए बेरा सारा बाराती झुकल बड़े, लड़की माला लेके आती है दुल्हा माला ओकरा गाला में डालते रहे, कैमरा तो बियाह में बनाई ले बा, सारा बाराती अपन अपन मोबाइल भिरा दे ले। अपने प्रतिष्ठा अपने इज्जत को बाजार में लुटाया जा रहा है। यही गनी एगो गांव में नया नया पतो हुआ ही रहे, नया नया स्वयंवर वाली, तो घरवा में केहू से लजाइबे ना करे, ना ससुर से लजाओ, ना भसुर से लजाओ, ना देवर से लजाओ, केहू से लजाइबे ना करे। तो एक दिन ओकर सास कहली कि बहू अरे ना केहू से लजाइबू तो तनी बूढ़ऊ से लजाहो, अरे बड़ा शारदा से बेटा भी हले बड़े ससुर न हुआ शारदा के पूरी हो तनी घुघाटवा काढ़ ल। पतोहिया कहलस कि ये अम्मा जी ए बार हमारा के लजवाओ तनी, लजाइल जला वो करा से जे ना देखले रहला से करा से, जे देख ली हल ओकरा से का लजाए के।
सासी कली के बुढ़ऊ तोरा के कहिया देखले हां त कहतिया पतहिया याद पारो। अरे शादी से पहले दिहलु सबका से देखवाई तो बताइया माजी याद पारी। अरे शादी से पहले दिहनी सबका के देखवाई अरे तो बताइया माजी अरे बताइया माजी केकरा से ला जाई तो बताइया माजी हो बताइया माजी हो केकरा केकरा से ला जाई तो बताइया माजी केकरा केकरा से ला। बुढ़िया कहली कि रे ससुर तोरा के कहिया देखले हां पतहिया कतिया याद पार। अरे शादी से पहले हमार फोटो मंगवावलो शादी से पहले हमार फोटो मंगवावलो ससुर भसुर सबका से देखवावलो ससुर भसुर सबका से देखवावलो शादी से पहले हमार फोटो मंगवावलो ससुर भसुर सबका से देखवावलो। आज हे बुढ़ऊ से लजवाव तरु ओ दिन ना लजवावलो फोटो के देखले बुढ़ऊ चासा महाताई तो बताई आमाजी फोटो के देखले बुढ़ऊ चासा अरे फोटो के देखले बुढ़ऊ चासा महाताई तो बताई आमाजी समझाई आमाजी केकरा केकरा से ला जाई तो बताई आमाजी केकरा केकरा तो बताइया माजी हो केकरा केकरा से ला जाए तो बुढ़िया सास कहली कि ठीक बा ना ससुर से ले जइबे तो चल कौन उनकरा लौकत आ मोतियाबीन तो छाप दे ले ना ससुर से ले जइबे तो तनी भसुर से ले जो भसुर से पतहिया कहले के आज भसुर से लजवाब तरु ओ दिन ना लजवाउलु। अरे करे देखौ कि गइले भसुर औरी देवर हमारा के देले रहले सोनावा के जेवर करे देखौ कि गइले भसुर औरी देवर हमारा के देले रहले सोनावा के जेवर भसुर से लजवाब तनी ये भसुर देले रहले डिबा के मिठाई तो बताइया माजी ये भसुर देले रहले डिबा के मिठाई तो बताइया माजी ये भसुर देले रहले डिबा के मिठाई तो बताइया माजी समझाइया माजी हो केकरा से ला जाई तो बताइया माजी तो बताइया माजी हो केकरा से ला जाए बुढ़िया कलश के ठीक बा ना घर के लोग से ले जाइबे तो जाए दे घर के बात घर ही में रही तनी हई टोला महाला के लोगवा आवता टोला महाला के लड़का फैका आवत रहे तो तनी ओकनी के देख के घूंघट कर लिए पतहिया कहते हैं आज टोला महला के से लजवाब तनी अब वो दिन ना लजवनी सब टोला महला के लोग हमारे के देख ले बा बुढ़िया कलच के रे टोला में के लोग बा तोरा के कहिया देखला बतैया कलश याद पड़ी। अरे गाँव नगर देखल टोला महला अरे गाँव नगर देखल टोला महला कहिया अरे जहिया हमार भइल रहे जय माला अरे गाँव नगर देखल टोला माला अरे जहिया हमार भइल रहे जय माला अरे झूठ बाकी साँच बात रौरे पता लाई समझाई माजी झूठ बाकी साँच बात रौरे पता लाई समझाई
झूठ बाकी सांच बात रौरे बाता लाई समझाई आमा जी बाता लाई आमा जी केकरा केकरा से ला जाई तो बताई आमा जी तो बताई आमा जी हो केकरा केकरा से ला जाई बताई आमा जी हो गंगना 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 जाई तो बताई आमा जी हो गंगना गंगना से ला जाई ए बरा के बियाह होता विचार कर प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय साधु चिन्हा गईले शादी रचाए लगल ओ दीवान ऋषि के संगे चंद्रकला के बियाह हो गई ओ आनहर लड़की के बियाह हो गई गर्भवती रहली ओ दीवान ऋषि के गुरु के नाम रहे पराशर ऋषि अब उ दीवान ऋषि गईले अपना गुरुजी के घरे कले गुरुजी रौरा कृपा से हम बियाह कइनी आ हमरा मेहरारू के लइका होखे वाला बा आ हमार दृष्टि गर्भ तक नइखे पहुंचत तनी रौआ अपना दृष्टि से देख के बताई कि हमरा मेहरारू के गर्भ से लड़का होई कि लड़की होई ए बरा नु अल्ट्रासाउंड चलल बा पहले के ऋषि महर्षि लो आंख बंद करके अल्ट्रासाउंड को दे लड़का होई कि लड़की होई है देखले पराशर ऋषि जब देखले तो कहले दीवान तारा औरत के गर्भ से लड़का होई लेकिन जौने बेरा वो लड़का जन्मी वही बेरा तरह दौड़ल हमारा लगे आवे के बा हमारा लगे आ वो लड़का के जन्म मुहूर्त बतावे के बा समय आयल नो देवता समय आयल तो वो लड़कवा भई भइल त कैसन भइल तनी ध्यान से सुनी अरे चांद के टुकरवा रे अरे धरतिया पर जन्मल बाटे सगरो अंगनावा चाचा हो गईल अजोर उ लड़का के रूप के प्रकाश से पूरा अंगना में अजोर हो गई अब साधु बाबा दौड़ल बड़े गुरुजी के घरे गुरुजी से कहले गुरुजी रौरा कृपा से हमारा घर में बेटा भइल बा बेटा अब रौरा बताई अरे कही कही गुरु हमा केतना लुटाई धना अरे कही कही गुरु हमा केतना लुटाई धना तो मुद्रा लुटा दी अरे कई रे करोड़ कितना मुद्रा लुटा दी गुरुजी कले रह जा मुद्रा मत लुटाव तनी हमरा के पत्रा देखे दो जब गुरुजी पत्रा देख ले नो तो उ दीवान ऋषि से कले उ दीवान मुद्रा मत लुटाव हमर बात मानो अरे ठीक है या धराती में आपने अरे बेटा बाब उठार लिया चली जई ह कौनो सरे हवा के वो ठीक आधा रात में अपन लड़का उठा लिया जौन जन्मल बा आ कौनो सुनसान चावरा में चल जई ह आ चावरा में जान तर जाके का करी ह अरे पीपरा के गाछी तर अरे खातावा तू खोन दीह जियत दा फनारे दीह अपना किशोर अरे गुरु जी के बतिया पर साधु बाबा रोवे लगले अरे गुरु जी के बतिया पर साधु बाबा रोवे लगले साधु बाबा इस शब्द सुन के थरथरा गईले कहले महाराज एक तो साधु के हम बियाह कइनी दूसरे में हमारा जिंदगी के पहल का खुशी हो अरे वह लड़िकवा के चिंता दफनावे के कहता नहीं अरे महाराज शास्त्र बतावेला कि मरल बेटा के भी बाप ना दफनावेला दूसर के वो दफनावेला अरे वह हमारा जिंदे लड़का के दफनावे के कहता नहीं
आखिर काहे कारण काबा। गुरु जी कहने के वक्त आई तहिया कारण बता दे, आज हमार बात मानो, वो लड़का के ले जाके जिंदा दफना दो। गुरु जी के गुड़वा पर गिर गई रे साधु बाबा, पुका पार के रोवे लगे। गुरु के पाव पकड़ के रोवले, अरे हाथ जोड़ले बाबा से कहले, अरे यह पहिला हमारा जीवन के कमाई है गुरुवर जी, यह पहिला हमारा जीवन के कमाई गुरुवर जी, यह पहिला हमारा जीवन के कमाई है गुरुवर जी, यह पहिला हमारा जीवन के कमाई गुरुवर जी। अरे बताई गुरु जी, अरे बाप हो के बेटा के अरे यदि हम दफनाई, बाप हो के बेटा के अरे यदि हम दफनाई, नौ महीना ढोले बाड़ी गर्भ में आधर माई, ऊ तो मर जाई है जब ई बात सुनाई है गुरुवर जी, ऊ तो मर जाई है जब उतमर जय है जब ई बात सुनाई है गुरुवर जी, उतमर जय है जब ई बात सुनाई। साधु बाबा रोवतरे कहतरे की चाहे मोर परीक्षा होता चाहे कौन मजबूरी, की तरह हमार परीक्षा लेता नहीं न तरुआ लगे कौन मजबूरी बा, कि चाहे मोर परीक्षा होता चाहे कौन मजबूरी, अरे आधा प्रेम के धागा अरे कैसे के हम तूरी, अरे त जियत बाप के हाथ है बेटा ना तो पाई है गुरुवर जी, जियत बाप के हाथ है बेटा ना तो पाई है जियत बाप के हाथ बेटा ना तो पाई है गुरुवर जी, जियत बाप के हाथ बेटा ना तो पाई। फिर साधु बाबा रुवतरे कहतरे कि वर्तमान में ऐसन काहे हमारा के बतला दी, वर्तमान में ऐसन काहे हमारा के बतला दी, पूर्व जन्म के योग यज्ञ से अरे एक पल में जरा दी, तो एगो महापाप काहे साधु से करवाई गुरुवर जी, एगो महापाप काहे साधु से करवाई, एगो महापाप काहे साधु से करवाई गुरुवर जी, एगो महापाप काहे साधु से करवाई। तीन गो जीव का हत्या के करेला, गाय ब्राह्मण आ बालक, ये तीन गो के हत्या जानतनी के करेला, कि गाय ब्राह्मण बालक बध गुरु जी महापाप कहाला, आ कुष्ठ रोग से ग्रसित होके अरे घोर नरक में जाला, इत काम करेले कौनो दुष्ट कसाई गुरुवर जी, इत काम करेले कौनो दुष्ट कसाई, इत काम करेले कौनो दुष्ट कसाई है गुरुवर जी, इत काम करेले कौनो दुष्ट कसाई। तनी ध्यान से सुनी कथा सबे, गुरु जी कले हम कुछ नहीं जाना, वचन देले बड़ा हमरा वचन के पालन करो, उ लड़का के ले जाके जिंदा दफनाओ। पहले के लोग गुरु के पिता के वचन के पालन करत रहला, अपना गुरु के वचन मन ले, ध्यान देव हमरा बतिया पर। आधा राती खान साधु बाबा अपना कुटिया में आइल बड़े, आधा राती खान अपने कुटिया में चोर लेखा घुसल बड़े, अरे गुरु जी बतवल है बतिया, अरे मान गईले जी छुवले, गुरु जी के गोड़ आरे ठीक आधी रतिया बाबा,
अपना घर वैले जी जैसे आवेला कौनो चोर। अपने घर में साधु बाबा चोर लेखा घुसल बड़े, आनहर महतारी लड़का लेके सुतर रही। धीरे धीरे साधु बाबा गोदिया में से वो लड़का के खींच लाल अजान तनी का कही। अरे कन्हावा कुदारी गोदी में, अरे बेटा बाटे जी झर झर गिरताटे लोर। अरे पीपरा के गाछी तर अरे पहुंचल बाड़े जी बाबा ताके ले चारू ओर। जी अते लला नावा अरे तफनाई दे ले जी झर झर गिरता टेलो लवटी के बाबा अपना घर वैले जी थर थर कांपता टेगोड़। लवट के बाबा घरे अले सबेर भइल, सबेर भइल जब आन्हर महतारी के निंद खुलल, आन्हर महतारी बिछौना टूवतरी। ए साधु बाबा, ए साधु बाबा हमर लइकवा हमरा बिछावना पर नहीं के, साधु बाबा हमर बाबू हमरा बिछावना पर नहीं के, साधु बाबा देखे में नीचे नहीं के नुगिरल। साधु बाबा कहले कि तहार बेटा मर गई। हाँ हमार बेटा मर गई, रौरा से के कहता कि हमार बेटा मर गई। अरे हमार बेटा हमरा अस्तन के दूध पिए तो लगे कहता कि हमार बेटा मर गई। बेटा के, बेटा के मृत्यु पर जब माई रोए लेनो तो ओकर एक बूंद आंसू 1000 टुकड़ा बन के धरती पे गिरे। गंगा जमुना में उतना पानी नहीं के जितना माई के आंख से आंसू गिर जला अपना बेटा के मृत्यु। अगर महतारी के सामने जमराज आके खड़ा हो जात कहस की बताओ तोरा के ले जाई कि तोरा बेटा के ले जाई, तब माई के मुंह से एक एगो शब्द निकली कि भले हमरा के ले चली जमराज लेकिन हमारे बाबू के छोड़ दी, हमारे बाबू के मतली। एक बेटा के मृत्यु पर जब मार होती है ना तो ये धरती का हृदय कांपने लगता है। आनहर महतारी जब रोवस न तो 1000 टुकड़ा बन के आंसू धरती पर गिरे। माई के चरवा सुना अरे करी गई ले रे मोरा गोदी के लाला नामा भी छड़ी गई ले रे। माई के चरवा सुना करी गई ले रे अरे माई के या चरवा सुना करी गई ले रे मोरा गोदी के लाला नामा भी छड़ी गई ले रे। माई के चरवा सुना करी गई ले रे तहक तहक के यान आनहर महतारी रोत के कर हम बिगड़नी मोर बिगड़ी गई ले रे मोरा आचरा के सिंगारावा उजरी गई ले रे। के कर हम बिगड़नी मोर बिगड़ी गई ले रे रात दिन आनहर महतारी रोए लगली, रात दिन साधु बाबा रोए लगले।
आखिर का कारण बाजी गुरु जी हमरा जीते लैका के दफनवा देनी। रोवत रोवत समय बीतल, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद वो बाबा के घर में दुसरका लैका भेल, दुसरका लैका भेल। फिर साधु बाबा दौड़ल गुरु जी के यहाँ गैला, गुरु जी रौरा कृपा से घर में दुसरका लैका भेल बा। गुरु जी कहले कि रह जा तनी पतरा देख लेबे दा। पतरा के नाम सुन के साधु बाबा के करेजा धड़कता। पहिलका के बेरी पतरवे देखल है जे कहले जे ले जाके पीपर त दफना दी हो। जब गुरु जी पतरा देख के अइले त कहले कि उतिरान जहाँ पहिलका लड़का के दफनवले बाड़ा ओकरे एक हाथ बगल में ले जाके एहू लड़का के दफना दो। साधु बाबा थरथरा गइले, कहले महाराज सब गुरु चाहेला कि चेला के खानदान बढ़े, रुआ हमार खानदाने फाइनल कर देवे पर लागल बानी महाराज, का कारण बा? गुरु जी कहले कि वक्त आई तो यह कारण बता दे, आज हमार वचन मानो। साधु बाबा गुरु जी के बात मानले, अइले आ दूसर को लैका के ले जाके दफना दे। जब दफना के अइले न सबेर भइल, फिर आन्हर महतारी के नींद खुलल, कलिए साधु बाबा, साधु बाबा हमार लैका बिछौना पर नहीं के, साधु बाबा, साधु बाबा कले तार लैका मर गई। हमार जितना लैकवा होता रे जा सब मर जाता रे जा। साधु बाबा कले मान लो तार लैका मर गई, तले जवन दासी रहे, दासी दास दासी कहती है ये महारानी, राउर लैका मरल नहीं खेनू, हम अपना आँखी से देखूं, है साधु बाबा है, आधा राती खाना हुआ, लैकवा को उठा के लेके जाए लगू, पीछे पीछे हम कहूँ कि बाबा लैकवा के कहाँ ले जाते, ए महारानी हम अपना आँखी से देखूं, इस साधु बाबा जियते लैकवा के खाता खोल के दफना दो जियते। चंद्र कला कली की कहा, रौरा एगो बाप है आ ओहू में साधु, आ साधु कहीं ऐसा कर्तव्य करे ई का रौरा कहीं नहीं है ई का। अरे ई का रौरा हर कहीं नहीं है स्वामी जी, हार मारी ले लाला नावा मोर, ई का रौरा कोई नहीं है स्वामी जी, मरी ले लाला अरे मारी ले लाला नावा मोर, ई का रौरा कोई नहीं है स्वामी जी, मरी ले एही गीतिया के हमार गुरु जी गाइले। देखी कि ना ई करौरा कोई नहीं है स्वामी जी, मारी ले लाला नावा मोर, ई करौरा कोई नहीं है स्वामी जी, मारी ले लाला नावा। ओ सारा लोग साधु समझेला, सारा लोग साधु समझेला, पानी रौरा के ताना कठोर, सारा लोग साधु समझेला, पानी रौरा के ताना कठोर। रात दिन रानी भी रोवे लगली, रात दिन साधु बाबा रोवे लगले, रोवत 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 साधु बाबा के दोनों आंख बैठ गई। साधु बाबा अनहर हो गए, ध्यान देव हमारा बात पर, साधु बाबा अनहर हो गए। अनहर भइला के 3 साल के बाद बाबा के घर में, अरे बाबा के भइल जब तीसरा लाला नवा, अब बजनवा बाजे लागल दुआरा,
अब बाबा के तय आंखें ना रहे जे गुरु की हजास लगले अपन सोहर मंगल गवावे कले की छोड़ा वो गुरु जी की सूचना लेके ना जाए ना तो सूचना लेके जाए तो कहीं जे करो के ले जाके पीपर वे तो दफना दे अरे बाबा के भइल जब तिसारा लाल नवा बजनवा बाजे लागल दुआरा अरे लागल दुआरा रे भैया लागल दुआरा हो बजनवा बाजे लागल दुआरा तो सुखल ठटरी में पर गइल परनवा बजनवा बाजे लागल दुआरा सुखल ठटरी में पर गइल परनवा बजनवा बाजे लागल दुआरा गुरु जी के यहाँ सूचना लेके ना गइले गुरु जी के यहाँ सूचना लेके ना गइले तले गुरु जी अपने मन ही करा घरे आ गइले गुरु जी चेला के घरे आ गइले गुरु जी कहले कि ओ दीवान अब गुरु जी के बोल बोली सुन के ओ दीवान से थर 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 कांपता रहे ई सूचना ही करा के दे दिया ला ये दादा अब तो आइल बड़े कहियां जब पीपरवे तले जाके दफना दो गुरु जी कहले कि हाँ ओ दीवान ई है तहार असली बेटा हो ये तार असली बेटा हो उ दीवान ऋषि कहले कि ये असली हो एकर पहले उ पीपरवा तो दुगो दफनावल मेले से उके कर ले जा कहले गुरु जी तारा नहीं के विश्वास नो तो जाके तू आधा राति का नो पीपरवा तर बैठी हो तारा पता लग जाए तार बेटा रो ले जा सकी ना दासी अंगुरी पकड़ के ले गई आधा राति का साधु बाबा गई ले आ जाके लइकवन के दफनावल ले वो जा बैठा रह ले दोनों लइकवा माटी के अंदर बतिया उतर ले जा मटिया के अंदर एगो कहते ये यार बुढ़वा बड़ी होशियार बा जन्मते लिया के दफना दलसा हम तो सोचले नहीं कि जब 5 बरिस के हो जाती आ जब खूब लाड प्यार लग जाय तू तब बाबा के छोड़ के धीरे से जमराज के यहाँ चल दे साधु बाबा कहले कि गुरु जी ठीक कहले बड़े ये दादा एगो जन्मते लड़का होकर मर जाला ओकर दुख अलग होला एगो 5 बरिस के बेटा होकर मरेला ओकर दुख एगो अलग होला तो एगो कहता कि ते 5 बरिस पमुवती हम तो सयान हो जाती हम सयान हो जाती आ जब ब्याह करे जाती नु ओ जे कोहबरे में छोड़ के जमराज के यहाँ चल देती साधु बाबा कहले कि कोहबर में दुल्हार रूप में मुई तो दुआर पर समधी रूप में हम मुहती बापे बेटा के बरम भोज एक तारीख पर पहुंच जाए गुरु जी ठीक कहले बड़े अब जैसे गुरु लवट के अले गुरु जी के लगे आ गुरु जी तिसार का लड़का के नाम रखतनी यही जाए कथा के पर्दा हटाओ तनी रुआ समझ आ जाए कि हम कौन कथा गाओ तनी एक कथा के पर्दा हटाओ तनी गुरु जी जब देखले बाड़े अरे पतरा की उघारी अरे वो लड़का के नाम धैले अरे भैया श्रवण कुमार वही लड़का के नाम परल श्रवण कुमार का नाम परल आय श्रवण कुमार के जन्म ना सुन ले सुन ले श्रवण कुमार के जन्म में ही आ भाई आ श्रवण कुमार पूर्व जन्म में का रहले आगे बतावत हनी माता पिता के जे सेवा कइल जाने जग संसार आ हलचल बाबा गावता रे घरवा परे बिहार वही लइका के नाम श्रवण कुमार परल अब पंडित जी साधु बाबा के घरे अब सोहर मंगल होके लगल सोहर मंगल तई माई बहन लो सोहर गावेला आई बुढ़िया लो जला तो केंगा सोहर गावेला लो अरे ऐसना मनोहर मंगल अरे मुरता सोहावने लागे अरे सुरता सोहावने लागे अरे सुरता नुहे ए राजा जी ए राजा जी एही के तरहल हाजरो रत महूरत खूब सूरत है ए राजा जी राजा जी यही के तरहल हाजरो रत महूरत खूब सूरत है ए राजा जी
के दोनों लड़कवा के यहाँ खुश बढ़े जा तो हो बाबू के कहता नहीं जानता नहीं के ना हुई है। अरे पंडित जी लेखा बाबू हमार उज्ञानी होई है बापे लेखान, अरे तानी होई है बापे लेखान, अरे तानी होई है इलालना बाबा खानी बाबू खाना दानी होई है कूला वाके पानी होई है इलालना बाबा खानी लालना बाबा खानी बाबू खाना दानी होई है कूला वाके पानी होई है होई जिन बैठल बड़े होई देखी कितना शांति से बैठल बड़े। अरे बबुआ हमारो ई तो जीएम होई है नाना ई तो अरे डीएम होई है नाना ई तो अरे डीएम होई है इलाला ना हिंद के सितारा बाबू हमार सीएम होई है देशवा के पीएम होई है इलाला ना हिंद के लाना हिंद के सितारा बाबू सीएम होई है पैसा वाके पीएम होई है हाउ जानता निका हुई है हुंकर बगलवा में बैठल बड़े। अरे बबुआ हमारा सब गुण अरे लायक होई है मुखिया ना अरे विधायक होई है मुखिया ना अरे विधायक होई है ए ललना हल चल बाबा लेखा बबुआ गायक होई है सब गुण लायक होई है ए ललना हल चल बाबा लेखा लाना हल चल बाबा लेखा बाबू गायक होई है सब गुण लायक होई है प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की मेन के बोलिए बड़ाई। अब आइए इजा श्रवण कुमार के जन्म भइलवा आई में सोहर मंगल होता अब इजा विधाता दिहला जोड़िया लगाई हाय सिया राम के भजो प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रवण कुमार बिया को के अइले एक रात बिया को के अपना मेहरारू के लिए अइले नु एक रात कसहू कसहू बुझाइल जे घर में दुलहिन बाड़ी एक रात बिहान भइले से ड्रामा शुरू बा बिहान भइले से घर में से निकले लगली जाना मजूरा बुला के एगो अलग पलानी डलवा दहली अलग आ वही में ले जाके बुढ़वा बुढ़िया के बैठा दली यही में एमे बैठल बैठा दली कुहार की गैली एगो हड़िया बनौली एक एगो हड़िया में दू गो पेट बनौली वही में एक बगल खीर बने आ वही में एक बगल खिचड़ी बने हे बगल मीठा पर गुड़ आ हे बगल एक अंजूरी नमक डालस यही में से काढ़ के खीर अपने खास श्रवण कुमार के दे आ यही में से हेनहिया से खिचड़ी नीमक वाला काढ़ के सास ससुर के दे आ न एक महीना सास ससुर के खियावली जौनो देहिया में मासवा रहे तवन गल गई दोनों जना सास ससुर लो हड्डी पर हो गई ठकर 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 श्रवण देखले तो कहले कि है सबकर नया पतो हो आवेली सन त सास ससुर लो मोटाला आ ई कौन विटामिन खियाव तरी जौनो देहिया रला तवन गल गई श्रवण गईले अपना मेहरारू के लगे आ जाके कहत रे जहिया से दुलहिन महलिया में वैली जहिया से दुलहिन महलिया में वैली कोठा या तारी पिलट गई माटी में अनहरो अनहरिनियन के खिचड़ी दुलंबा ढकेल दी हल बाड़े एगो टूटल घर टाटी श्रवण के मेहरारू कल यहाँ दे
हमरा के हंसतो मत होइया, हमरा के कहतो मत होइया, हाँ हम नहीं रहती तब माथ पर मौर ना चढ़ी, हम नहीं रहती तब माथ पर मौर ना चढ़ी, अंगना में डेग कबो परित ना दौरा, आ हम तो भाग में ठीक है बानी, भाग में या भागा भेटा गई नहीं रहूगा। सरवन कले जे हाँ तू नहीं रहतू तब माथ पर मौर ना चढ़ी, अंगना में डेग कबो परित ना दौरा, आ हो शंकर समाधि में जिंदा समा जई है, जब तारा वैसन काराक्षा भेटा जई है गौरा। सरवन कले हमरा माई बाप से तारा कौन दुश्मनी बा, सरवन के मेहरारू कले सुन ली, आज के बाद एक घर में अगर बुढ़वा बुढ़िया रही है सब तो हम ना रहे, आ हम रहे न तो बुढ़वा बुढ़िया ना रही है सब। सरवन कले का है तो सरवन के मेहरारू कहली अरे बैठल बैठल बुढ़ावा खेतारता दुआरी पर, अरे बैठल बैठल बुढ़ावा खेतारता दुआरी पर, आ तहरा गुमान बाटे बाप महतारी पर, अरे तहरा गुमान बाटे बाप महतारी पर, आई देखब तार धन हम के जुगाव तानी, हम दिन काटतानी पेवन साठी साड़ी पर, हम दिन काटतानी पेवन साठी साड़ी पर, हे बुढ़िया के चोखा चाही नीमन तारकारी पर, हे बुढ़िया के चोखा चाही नीमन तारकारी पर। सरवन कुमार कॉलेज हम जानत नहीं कि तारा नैहर के लोग का खाला, तो देखी ये पंच है अगर मेहरारू से झगड़ा हो तो खेनू सब कुछ कह दे, लेकिन झगड़ा में नैहर के बुराई मत करे ना, तो झगड़ा में नैहर के बुराई कहनी जो घर में लंके दहन बाबू जी जे। सरवन के मेहरारू कहली हाँ दे हमरा नैहर में तार घरवा लग जाए का, हाँ अरे देखलन बाप घर रहनिया तारी पर, देखलन बाप घर रहनिया तारी पर, आ सोना चांदी मिलल रहे लाद लाद गाड़ी पर, सोना चांदी मिलल रहे लाद लाद गाड़ी पर, अरे परई ना चढ़ी ओ कबो तारा हाड़ी पर, हमरा नैहर कहाँ से तारा परई ना चढ़ी अरे कबो तारा हाड़ी पर, आ हमारा के हंसे लहे सुअर के खोभारी पर, अरे हमारा के हंसे लहे सुअर के खोभारी पर। सरवन कहले जे का करी ये दादा, हमार मेहरारू तो एकदम उल्टा भेटा गई बिया, हम कहतनी कह एक तो हमारा विपरीत में कहती है तू, हम कहतनी कह तो ही कहती है ख। सरवन कहले कि रह रह हम एक सिखावतनी सोच तो करती है उल्टा, तो काहे ना एक हम सिखाई उल्टा जो करो सोच। तो सरवन कुमार अपना मेहरारू के लगे गई कहे कि सुना तू का चाह तरु, ये ना चाह तरु कि बुढ़वा बुढ़िया मर जा सन, ये तो हम हूँ चाहता नहीं बुढ़वा बुढ़िया मर जा सन, लेकिन हम चाहता नहीं कायदा से मुँह आवे के, आ तू चाह तरु बेकायदा मुँह आवे के। देखो हम दो चार गो मुँह वाला जोड़ी जानता नहीं, 25 दिन खिया दो ये बुढ़वा बुढ़िया सुतले रह जाइए सर, आ गांव नगर में प्रचारो हो जाए कि सरवन के मेहरारू अपना सास ससुर के खूब सेवा कर दिया, तार नामो हो जाई आ कामो हो जाए दोनों हो जाए। कली जे हाँ मुए ला जड़ी जान तनी कौन, तो सरवन कले कि सुनो अ माघ के महीना आयल बनू, माघ के महीना सवेरे बनाव खिचड़ी आ वही में डाल 3 कलछुल घी, माघ मास घी खिचड़ खाए आ बुढ़वा बुढ़िया दोनों मरी जाए, आ यदि वही में अदरक पड़े तो तड़प तड़प के दोनों मरे। सरवन देखी के उल्टा समझावत रे, अरे दोनों के जान मारो मारो, अरे दोनों के जान मारो, विचार बात हमरो दोनों के जान मारो, हो विचार बात हमरो दोनों के जान मारो, विचार बात ध्यान दे के सुना हमर दवाई, माघ महीनावा में खिचड़ी भोजनवा, माघ महीनावा में खिचड़ी भोजनवा,
रखिया वो तू माघ के महीनावा सवेरे बनाव खिचड़ी साझी के बनाव खीर वही में डालो काजू किशमिश मुनाका बादाम आ पूछ पूछ के जबरदस्ती खियाओ सरवन के मेरा रू कली जे हाँ खिचड़ी में घी खैला से आदमी मुँह ले कली जे हाँ तो सरवन के मेरा तीन कलछुल कहता नहीं हम पांच पांच कलछुल डाल दे कि 25 दिन के बदले 15 ही दिन में मर जाऊ लोग आ तब सरवन कहले कि बुढ़वा बुढ़िया जब सूत के उठता रे सनु तो थरिया में कपूर मार के अरे थरिया में कपूर मार के आरती उतार विचार बाटे हमर सरवन के मेरा कहली आरती उतारो ई मुए ला उपाय बताओ तनी कि पूजा करे वाला उपाय बताओ तनी सरवन कहले बुरबा खाऊ सबरे के खीर वाले बड़ू घी वाला खिचड़ी साजी कान के खीर आ कपूर के धुआं इतना खराब हो ले जाके मुहमा तब देखो नु मुहे के 25 दिन में तब बीचे 20 दिन में मर जाइए सरवन के मेरा रू कली जे हाँ कपूर के धुआं से आदमी मुहे बात तई में का करे के बा दिन भर में पांच पांच हाली बार के देखा देबो अरे थरिया में कपूर मार के हरिया में कपूर मार के आरती उतार विचार बाटे हमरे दोनों के जान मार विचार बाटे हमरे दोनों के जान मार विचार बाटे सारा बात बता के तब अपना मेहरारू के बड़ाई करो तारे कि बड़ घर के बेटी हो ताहर विचार बाटे ऊंचा आ घर के जिम्मेवारी बा तहरा पर समूचा बड़ घर के बेटी हौ विचार बाटे ऊंचा आर घर के जिम्मेवारी बा तहरा पर समूचा घर के जिम्मेवारी बा तहरा पर समूचा घर के जिम्मेवारी बा तहरा पर समूचा गावतार हलचल बाबा गावतार हलचल बाबा घर बा बिहार दुनू के जान मार विचार बात हमरो दुनू के जान मार विचार बात सरवन के मेहरारू कली यही बताई अरे वह 25 दिन कहनी है खियावे के आ का जाने कहीं दवाइया बीचे में सेट को जाओ आई मर जसन तब का होई सरवन कले सुन तू दवाइया से शुरू करो आ हम जतनी तीरथ घूमे हम जान तनी जे कहिया मुंह है जा मुंह के दू दिन पहले हम घर चलिए दू दिन पहले सरवन बता के तीरथ घूमे चल गईले आ सरवन के मेहरारू सवेरे खिचड़ी बनाव तारी अदरक डाल तारी चार चार कलछुल घी डाल तारी खा लो जाही अल्लाह बाल लो खा लो खियावत खियावत 20 दिन आह ना खियावली बुढ़वा बुढ़िया मोटा के लाल हो गई लाल हो गई ले जा जब ना बुढ़वा बुढ़िया से खटिया पर से उठल ना जा ऊ बुढ़वा बुढ़िया हाथ जोड़ा के 7 किलोमीटर पैदल चल जा सन गंगा जी में से नहा के चली आवे जवन बुढ़वा बुढ़िया पहले हाफत रह ले जा अब डाफत रह जा सितारा सरवन के मेहरारू सुनली तो कहली कि रे कहले रहले हैं कि 25 दिन में मर जाइए सन इ 25 दिन में मुइए से कि 25 बरिस औरी जी ऐसे सरवर के मेहरारू दुआरी पर बैठ के रुवत तरी कह तरी अरे माघावा महीनावा में अरे पोरतावे पाला जीवा जरी रे जाला हई जीवा जरी रे जाला कब तो जब बुढ़ावा बुढ़िया फेर ले सन बाला जीवा जरी रे जाला बुढ़ावा बुढ़िया फेर ले सन माला जीवा जरी रे जाला घीवा जहर होला बहु रानी के भरम बा घीवा जहर होला एक कल छुटा ले ली बुझेली अभी न कम बा लाल हो के लागल देहिया लाल हो के लागल देहिया
खूबे मोटाला जीवा जरी रे जाला। जब घर में होला सीता राम के हाला जीवा जरी रे जाला। घर में होला सीता राम के हाला जीवा जरी रे जाला। पच्चीस दिन पर श्रवण कुमार घरे अले। पच्चीस दिन पर आवते पूछले का हो का समाचार बा। कहली जे चल के देख ली का समाचार बा। जब श्रवण कुमार अपना माई बाप के मोटाइल देखले दिल दरिया हो गए। कहले कि हाँ अब दवाई पूरा सेट हो गई बा। पंद्रह दिन और खिया दबी मुँह अलबारे जा। श्रवण के मेरा कहली हाँ दे अब जे तहार दवाई पांचों दिन चल जेकनी के अखियो से लौके लगे। श्रवण कहले जे एगो काम करो एंगना मुँह ले हाँ जाना तो पूरा पकवान बनाव हम कांवर बना के ले जतनी आ ये दोनों जने के तीर्थ स्थान में छोड़ के चली आवत। कली ठीक बात तो श्रवण कुमार कांवर बनौले आ जब अपना आगे माई के पाछे बाबूजी के बैठवले। श्रवण के मेहरारू कली जे सुनी तीरथ में छोड़ के मत आए ना ते बुढ़वा बुढ़ियन के लगे इतना बल हो गई बनू आगे आगे छोड़ के रहुआ जाए पाछे पाछे यहाँ जोड़वले फिर चलिए ये जाए। गंगा जी के कोगरी बैठा के ढकेल देव जे फिर आवे वाला संभावना ना रही। श्रवण कले बनाव ना अब तो बुझाते बजे गंगा जी में के ढकेला। अब श्रवण कुमार बहंगी बनौले अपना माई बाप के लेके चल रहे। आ एक एगो गीत गावत रहे अरे दुनिया में के बा देवता भारी बाप महतारी जैसा। अरे दुनिया में के बा देवता भारी बाप महतारी जैसा। कहाँ से अल आलो खर मंडली मचावे हो बुझात नहीं के जहाँ भीड़ भाव ना रोके के चाहिए। कितना मेहनत से श्रोता के रोकल जला।